300 बच्चों के आपने भेजन वर्क लेस काफी सारे आप आम बच्चों की तरह आप उनको उस स्टेज पर लेके जा रहे हो, किस तरह का आपका फेयर मैच कब से अपने स्टार्ट किया? जो फाउंडेशन हमने 17 साल पहले चालू किया, क्योंकि हम एक स्कूल में गए थे जहाँ पे बच्चे लोग नेशनल एंथम में साइन लैंग्वेज से बोल रहे थे, तब हमने डिसाइड किया कि ये साइन लैंग्वेज से बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हमने तभी जोश फाउंडेशन क्रिएट किया। और जोश फाउंडेशन थ्रू हम उनको डिजिटल हियरिंग एड दे रहे हैं। ये डिजिटल हियरिंग एड ऐसा रहता है कि उसमें से नॉइज सफेशन होती है, चाइल्ड को क्लैरिटी मिलती है, क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं और नॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। इसीलिए जो आज तक सब जो बोल रहे हैं कि डेफ एंड डम, ये डम नहीं है, दे आर ऑल होशियार बच्चे हैं, इनमें से आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, कॉस्मेटिक में भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच में कर सकते हैं, मतलब कि दे आर नॉट नाउ डिपेंडेंट, दे सपोर्ट देयर पेरेंट्स एंड दे आर एबल टू सक्सेसफुली ग्रो। दूसरा सब बोलते हैं कि डेफ एंड म्यूट, ये म्यूट नहीं है क्योंकि उनके पास भाषा है और अगर ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो वो भाषा बोल भी सकते हैं जो आप लोग और हम लोग सब समझ सके वैसा है। जरूरत यह है कि पहले 2 साल में उनके लिए हियरिंग एड या कॉग्निटिव इम्प्लांट सर्जरी करना चाहिए। और आज हमने जो ये टुडे इज अ वर्ल्ड डेफ डे, हमने आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि ये जो बच्चे हैं सब हियरिंग एड पहन के आए हैं, वो सब समझेंगे मूवी में क्या चल रहा है और उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये फिल्म में जो मोरल बूस्ट कर रहे हैं कि कभी हारना नहीं है, जीतना ही है, तो इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया। सर देखा रहे कुछ बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं, कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर भी बने हैं, आपके लिए आपका प्रोडक्शन के दोस्त के लिए कितने गर्व की बात है? कितने आपके यहाँ से कुछ बच्चे इंजीनियर भी बन गए हैं, डॉक्टर भी बने हैं, आपको जो दोस्त प्रोडक्शन के लिए कितनी बड़ी बात है, उसमें कुछ बच्चों को आपने जीने का सहारा दे दिया। बहुत बच्चे का फायदा हुआ है, मोर देन 100-150 से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़े हुए हैं। हमने जब से ये हियरिंग एड नया और डिजिटल हियरिंग एड विच इज़ वेरी कॉस्टली हियरिंग एड, नॉर्मली सब जगह पे जो हियरिंग एड का कैंप करते हैं तो सस्ता वाला हियरिंग एड देते हैं जिसमें खाली लाउडनेस आता है, उसमें समझ में नहीं है। हम जो दे रहे हैं डिजिटल हियरिंग एड है जो आदमी बहुत महंगा रहता है, रोटरी क्लब भी हमको बहुत सपोर्ट करती है और ये हिसाब से उनका जो डिजिटल हियरिंग एड से सबसे एकदम क्लियर में आ रहे हैं, इसके लिए बच्चे बहुत आगे हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके बच्चों के भाषा बच्चों को जो भी है आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, आप ये कब से कर रहे हैं और क्या आपका मंजिल क्या है बताना चाहिए? मैं तो ऑडियोलॉजी साइंस की चैनल पर तो करीब 37 साल से काम कर रही हूँ और जोश फाउंडेशन जो है वो करीब सर ने बताया 17 साल से काम कर रहा है। हम लोग जो बच्चे हैं उनकी सुनाएं उनकी जरूरियात के हिसाब से देते हैं जिससे वो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए और अच्छे से बोल पाए। और आज जो इवेंट है उस इवेंट में एक जो इंडिया का जोश है, अभी पैरालंपिक में काफ़ी 30 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जीत के आए हैं, तो हम इन बच्चों में भी वो स्पिरिट लाना चाहते थे, इसलिए हमने ये चक्रे इंडिया जो मूवी है उसको सिलेक्ट किया। और इस मूवी से उनको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा सारे बच्चे यहाँ पे कान के मशीन पहन के आए हैं जो हमने उनको सपोर्ट किए हैं, तो वो मशीन से अच्छा सुन पाएंगे यानी हिंदी भाषा समझ पाएंगे। हम यशराज स्टूडियो जो है यशराज फिल्म्स का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये चकदे इंडिया हमें दिखाने के लिए हमें गिफ्ट किया। और इस मूवी में जो मोटिवेशन है जैसे इंडिया के लिए जीतना है और अगर कुछ भी डिफिकल्टी आए पर आगे बढ़ते रहना है, तो ये मोटिवेशन हम इन बच्चों में लाना चाहते थे। और स्पोर्ट्स की जो हम जोश फाउंडेशन से स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की भावना उनके अंदर आए उसके लिए ये इवेंट किया है। और इन सारे बच्चों को जो भाषा है वो समझ आए नॉर्मल बच्चों के जैसे, इसलिए हमने इंग्लिश टाइटल्स मांगा था, उन्होंने दिया भी, लेकिन मैं चाहती थी कि हम सारे ये जो सारे बच्चे हैं वो सुन के और समझे। तो यहाँ पे ये इवेंट में
बहुत सारी चीजें एक साथ है, जैसे इंडिया के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, भाषा समझना, और वो एक कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस आके आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें हम इस इवेंट के द्वारा उनके वर्ल्ड डेफ डे के सेलिब्रेशन में देना चाहते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? We are associated with Josh Foundation as part of our CSR activity, and we are very happy and we feel very proud that Josh Foundation is doing such a good job. CSR activity एक ऐसी activity है जो एक तरह से government ने all corporates के लिए एक directive दिया है कि आपको अपना profit का कुछ percentage CSR activity में देना चाहिए। And we really feel ग्रेट के शुरू शुरू में हमको लग रहा था कि एक तरह का ये कंपल्शन है, हमको ये डोनेशन देना पड़ रहा है। जब हम ये काम देख रहे हैं तो इट इज रियली सोल सेटिस्फाइंग कि यस हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे यूज हो रहा है, उससे बच्चों का भविष्य भी बन रहा है, बच्चों को हैप्पी। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल टू दिस फाउंडेशन, वो हमारे फंड्स को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छी जगह से, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। शक्ति में सुनता था, आज बार बार देख भी रहा हूँ, इतने सारे बच्चों के गाइड करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह आप संभाल लेते हो सर काम? अगर आपको संतोष मिले कुछ चीज करते हुए तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है, आपको लगता है आप किसी के लिए भला कर रहे हो, और अंदर से जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी की कुछ कीमत नहीं होती, उसके आगे आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगती, आप आगे ही बढ़ना चाहोगे। और बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको देखकर हमें जोश फाउंडेशन को बहुत 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 खुशी मिल रही है, और मैं तो कहूंगी जुग जुग जियो जोश फाउंडेशन, और ऐसे ही बच्चे को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू। काफी महंगे होते हैं, इतने देना हमको CSR से मिल रहा है, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग हेल्प कर रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो बोल भी नहीं पाते थे, जो सुन भी नहीं पाते थे, वो लोग आज आर्किटेक्ट है, एयर होस्टेस है, ब्यूटीज में उस वो लोग ने नाम कमाया है। तो इसके लिए सब लोग आगे आके हमारे हाथ बढ़ा रहे हैं, अकेले से कुछ नहीं होता, सब मिल के सब कर सकते हैं। कितने लोग जुड़े हैं मैम आपके साथ? अभी जोश फाउंडेशन के जो फाउंडर है डॉक्टर गांधी और देवांगी दलाल, वो दोनों बिलीव करते हैं कि हमें इंडिया में से तो सब डेफ और डम जो बोल रहे हैं उसको निकाल घुसाना है, और वर्ल्ड में भी हम करेंगे आगे जाके, तो इंडिया में तो कोई बच्चा न सुन पाए ऐसा रखना नहीं है हमें। आप सबका सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा तो ये उन लोगों का सपना जरूर से हकीकत में बदल जाएगा। सर मैं आपको जानना चाहता था, देखा मैंने आपको बच्चों के साथ मिल लिए थे, काफी अच्छे अट्रैक्शन होंगे सब बच्चों के साथ, क्या मैसेज देना चाहते आम लोगों के लिए? मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, दिल है छोटा सा, छोटी सी है आशा। प्रकृति कुछ बच्चों को सुनने की शक्ति नहीं देती, पर हम उनको हमारे जैसे ही दिल देती है, उनकी भी छोटी छोटी आशाएं हैं। तो मैं हार्दिक विनम्रता से धन्यवाद करना चाहूँगा जोश फाउंडेशन का, संदीप भाई पारेख का, जैन भाई का, देवांगी बहन का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि छोटी छोटी आशाएं पूरी कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ आगे जाके बड़ा बड़ा चीज़ अचीव करेंगे। तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, उसको जरूर पूरा करें। मैं रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट का प्रेसिडेंट हूं, तो पूरी रोटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मिशन है कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, चाहे सुनने की शक्ति हो, चाहे देखने की शक्ति हो, सबको सारी शक्तियां मिले, या आज हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें वो शक्तियां प्रदान करें, तो इसी कोशिश में हम सब जुड़े हैं। मैम आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस तरह हमने नारी शक्ति, इस तरह की मुस्कान, इस तरह की प्रेरणा, आपकी शक्ति कहाँ से मिलती है? इतनी बड़ी काम भी उठाए, पीड़ा उठाया आपने, गांधी जी के बाद आपने दे रहे हैं, इतनी बड़ी आप बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाएगा। नारी शक्ति नहीं है, हम सबको मिलकर काम करना है,
और ये डेफ बच्चे जो है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी जो डेफ बच्चा है कभी उसने सुसाइड कर लिया और उसको मेंटल हेल्थ इश्यू है। सारे बच्चे जब जन्म से होते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन हर दिन वो हर चीज़ को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनसे हम को हर रोज़ इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं ऐसे नारी शक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, पर अगर किसी को भी डिफिकल्टी है तो इन बच्चों के सामने देखना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ इश्यू है तो बच्चों के सामने देखना चाहिए कि बचपन से वो सभी चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं और उनकी चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशनल और एज अ जोश फाउंडेशन ट्रस्टी हम जब उन बच्चों के साथ बातें करते हैं या उनके लिए हेल्प करने जाते हैं तो उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और आज जग दे इंडिया एक जो मिशन है उससे वो इंस्पिरेशन हम सारे पूरे देश में शेयर करना चाहते हैं कि इन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो इनविजिबल है, और अगर इस डिसेबिलिटी पे काम किया जाए तो उनको एबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी हमें उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना के नेशनल असेट्स बना सकते हैं। तो हमारा जोश फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश को मैसेज है कि ये बच्चे अभी डेफ नहीं है, वो बोल सकते हैं, उनके डिसेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। तो पूरे भारत देश आगे आए और इन बच्चों को सपोर्ट करे और उनको अपने जैसे नियर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार करे। आखिर में कुछ बात जुड़ना चाहे आपके दोस्त के साथ, किस तरह जुड़ना चाहे? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमने अमरेली में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट किया था, 100 बच्चे को हियरिंग एड लगाए थे। उसका रिस्पॉन्स देखे अपने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमको बुलाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, 45 मिनट्स हमारे साथ बात की कि इसमें से क्या होता है, कैसे होता है, क्या फ़ायदा होता है। और उनको ये याद रह गया, इसके लिए जब वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने करोड़ों रुपया अपने कॉकलियर इम्प्लांट के लिए लगाया है, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे को 2 साल के अंदर अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया तो ये बच्चे नॉर्मल बन जाएंगे। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि ये बच्चे को मदद करना चाहिए, और इनके मदद करेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ेंगे। और अभी जो नया है कि अपना भारत 2047 में जो प्रगति करने में आएंगे तो ये बच्चे इसमें भी भाग लेंगे, और इसमें भी उनका जो नया इनोवेशन होगा वो सब भारत को ऊपर लेके आएगा। जोश फाउंडेशन के साथ जैसे बताया कि सारे कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़े, काफी सारे कॉर्पोरेट जुड़े हुए और उनकी तरफ से कान की मशीन के लिए हेल्प मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट से कि वो आगे आए और इन बच्चों के हियरिंग एड के लिए सपोर्ट करें। दूसरा, जो भी इन बच्चों को योगा या रोबोटिक है, मेहंदी है, और सारी जो डिफरेंट स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें सारे स्कूलों में ऑर्गेनाइज करके देंगे। तो इंडिविजुअल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो भी चाहता है मदद करना वो कर सकते हैं। दूसरा, हम बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन स्कूलों में देते हैं तो उनके लिए भी हमें कॉरपोरेट सपोर्ट कर सकती है। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी डेफ बच्चे को देखे और लगे कि उसको मदद की ज़रूरत है तो उनको आप जोश फाउंडेशन की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पे और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इन बच्चों को हेल्प मिले। अभी पूरे इंडिया से बहुत सारी जगह से हमें रिक्वेस्ट आती है हियरिंग एड के लिए, बच्चों को सपोर्ट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, और हम उन सबको मदद करते हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंडिया में यूएस यूके सारे कंट्रीज में 2004 से नियोनेटल स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, यानी जो भी बच्चा अस्पताल से बाहर निकलता है उनकी सुनाई की टेस्ट होती है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। तो जो भी CSR एक्टिविटी करते हैं और गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो है, हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जोश फाउंडेशन की तरफ से कि सारी हॉस्पिटल में और सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स में नियोनेटल स्क्रीनिंग मैंडेटरी किया जाए, जिससे हम जल्द से जल्द पता कर सके कि इन बच्चों की सुनाई कितनी है और इस हिसाब से हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट की मदद कर सके, जिससे वो उनका काम समय जाए और नॉर्मल के जैसे वो डेवलप हो पाए। थैंक यू मैम, वीडियो फोटो ले लेते हैं, फोटो फोटो फाउंडेशन
जिंदाबाद। अच्छा जी का जिंदा तो है, लेकिन जो इतने अच्छे काम करे उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, मैम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अभी आप एक सवाल के ऊपर एक सवाल है, बोलिए बोलिए। जो फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, I would wish that you know that should be recognized by everybody and people should come forward to contribute so that those can fulfill their mission all over the world and you know not only in our country. आप किस तरह जुड़े हो, आपका क्या सहयोग है और कितने लोग जुड़ सकते हैं? I am the one of the trustee in those foundation. कितने लोग आप जुड़ सकते हो इसमें? We are trying our best to you know, इसमें कोई definition है नहीं कि 5, 25, 50, जितने भी आवे कम है सर। Thank you sir. Because the requirement is you know infinite. Thank you sir. Thank you everyone. Good message. Thank you.